रिलेटिव मोड इज रिलेवेंट टू। तो जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, रिलेटिव मोड आपका यूज होता है प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम, यानी रन टाइम पर प्रोग्राम को रिलोकेट करने में आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हम विद रेस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर कैलकुलेशंस करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर करते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलोकेशन में यूज होता है। रिलोकेशन में क्या होता है आपका, रिलोकेशन यानी आप उस प्रोग्राम को रिलोकेट कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, इसका मतलब वो पोजीशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिलोकेट आप उसको कर सकते हैं तो वो पोजीशन क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड आपको उसको मैच करना है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग बोर्ड आपके यूज होते हैं लूप्स को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है ना। ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट यूज होते हैं आपके लूप्स को इंक्रीमेंट करने में, और इनडायरेक्ट जो होता है वो यूज होता है पॉइंटर में। अब देखिए, इनडायरेक्ट आपका दो टाइप से हो सकता है, या तो इनडायरेक्ट रजिस्टर होगा या इनडायरेक्ट मेमोरी होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपका या तो रजिस्टर में स्टोर करा सकते हैं या फिर उस वेरिएबल को आप स्टोर करा सकते हैं एक मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट में आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट आपका यूज होगा पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करने में, और इमीडिएट मोड आपका यूज होता है कॉन्स्टेंट को इंप्लीमेंट करने में। अब ये गेट 2001 का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर को मैच करना है, ठीक है ना, इनको मैच करना है। तो देखिए, बेस रजिस्टर में क्या होता है, बेस रजिस्टर में जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आपका यूज करते हैं आप प्रोग्राम रिलोकेशन में, ठीक है ना। प्रोग्राम, क्योंकि बेस एड्रेस को आप चेंज कर देंगे तो प्रोग्राम आपका रिलोकेट हो जाएगा, तो बेस एड्रेसिंग मोड आप यूज करेंगे प्रोग्राम रिलोकेशन में। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का आप यूज करेंगे एरे को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, इंडेक्स रजिस्टर में क्या होता है, इंडेक्स रजिस्टर में आपका इंडेक्स या ऑफसेट या डिस्प्लेसमेंट आता है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड आपका यूज होगा एरेस को इंप्लीमेंट करने में, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का आप यूज करेंगे पासिंग एरे एज पैरामीटर, ठीक है ना। क्योंकि जब आप एरे को पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एरे नेम क्या बताता है, एरे नेम बताता है उसका बेस एड्रेस, एरे नेम बताता है उसका बेस एड्रेस। इसका मतलब जब आप उस एरे को पास कर रहे हैं तो उस एरे के बेस एड्रेस को आप पास करेंगे, ठीक है ना। तो जब उसका बेस एड्रेस को आप पास करेंगे तो एक पॉइंटर हमें रिक्वायर्ड होगा उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए। तो पॉइंटर अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो पॉइंटर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, ठीक है ना। तो ये आपका मैच हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। ये गेट 2004 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज सुटेबल फॉर प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम। प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम के लिए आप किस एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे। तो देखिए, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एब्सोल्यूट अब तो आप यूज करेंगे नहीं, ठीक है ना। बेस एड्रेस का आप यूज कर सकते हैं, तो बेस एड्रेसिंग मोड का आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम पर, ठीक है ना। और रिलेटिव एड्रेस का भी आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम रिलोकेशन एट रन टाइम पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। ये अभी गेट 2005 का क्वेश्चन है, आपको इसको मैच कराना है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या आपका एक पॉइंटर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर आप यूज करेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करके आप पॉइंटर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो इस इंक्रीमेंट को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है ए प्लस प्लस, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एरे को यूज कर रहे हैं, एरे के इंडेक्स को यूज कर रहे हैं, ये आईएथ इंडेक्स है, जेएथ इंडेक्स है, तो यहाँ पर जो एड्रेसिंग मोड आप यूज करेंगे वो हो जाएगा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। 2006 का क्वेश्चन है, गेट 2006 का क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि जो आपका इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो 24 बिट है। आप ऐसा बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो 24 बिट है, और मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है आपका 300, ये वैल्यू डेसिमल में है, ठीक है ना, ये 300 वैल्यू आपका डेसिमल में है, और इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 300 है। तो आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो इंस्ट्रक्शन का साइज 24 बिट है, तो यहाँ पर स्टेप साइज क्या हो जाएगा, स्टेप साइज हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना, क्योंकि मेमोरी आप बाइट एड्रेसेबल से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो 24 का इंस्ट्रक्शन, 24 बिट का जो इंस्ट्रक्शन है, ये 11 बाइट की, 11 बाइट विड्थ की 3 लोकेशंस को यूज करेगा, 11 बाइट विड्थ की 3 लोकेशंस को यूज करेगा। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपका ये 24 बिट का जो इंस्ट्रक्शन है वो 3 विड्थ को आपका यूज करेगा, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इस 3 वैल्यू से, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा, यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 300, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 303, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 306, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी 309, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा। थ्री का मल्टीपल क्या है, थ्री का मल्टीपल आपका केवल ये है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। गेट 2008 का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ द ऑटो इंक्रीमेंट मोड।
फर्स्ट देखते हैं यूजफुल इन क्रिएटिंग सेल्फ रिलोकेटिंग कोड, ठीक है ना। तो ये सेल्फ रिलोकेटिंग कोड में आप इसको यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सेल्फ प्रोग्राम रिलोकेशन में आप या तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का यूज करेंगे या फिर बेस एड्रेस वाले का यूज करेंगे, आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड देखिए, If it is included in an instruction set architecture, then an additional ALU is required for arithmetic calculations. इसकी ये आपका false है, ठीक है ना, क्योंकि आपका additional ALU की जरूरत नहीं होगा। Third देखिए, the amount of increment depends on the size of data item accessed. तो ये आपका यहाँ पर true हो जाएगा, क्योंकि हम automatically आपको बता चुके हैं कि auto increment में आपका program counter की value increment होती है PC plus D से, यानी आप step size D से इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये जो डी से जो आप स्टेप साइज से जो इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका डेटा आइटम 1 byte का है तो आपका इंक्रीमेंट 1 से होगा, अगर डेटा आइटम आपका 2 byte का है तो इंक्रीमेंट आपका 2 से होगा, और अगर डेटा आइटम आपका 4 byte का है तो फिर यहां पर इस डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। Consider a hypothetical processor with an instruction of type this, ठीक है ना, ये आपका एक instruction का type है। इस question में given है कि आप effective address कैसे calculate करेंगे, तो effective address आप calculate करेंगे इस constant 20 को add करके इस register के content में, ठीक है ना। Effective address obtained by addition of constant 20 and the content of register R2, ठीक है ना, इस register R2 के content में आप इस 20 constant को जोड़ करके आप इस effective address को calculate करेंगे। अब आपको ये बता रहा है कि इस instruction में आपका addressing mode किस type का होगा, तो देखिए immediate mode तो ये होगा नहीं, क्योंकि instruction के अंदर आपको operand नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। immediate mode में क्या होता है, instruction itself contain the operand value, तो ये register addressing mode भी नहीं है, क्योंकि आपका register के अंदर आपका operand नहीं है, register के अंदर आपका operand नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप इस register के content में 20 को add करके effective address calculate कर रहे हैं, इसका मतलब register के अंदर आपका operand नहीं है, तो ये register mode भी नहीं हो सकता। Next देखिए, register indirect scaled mode, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं इस 20 को add नहीं करता हूँ, अगर मैं इस 20 को add नहीं करता हूँ, तो फिर ये कौन सा addressing mode हो जाएगा, क्योंकि देखिए effective address में कैसे कर रहा हूं, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इस रजिस्टर R2 के कंटेंट को, ठीक है ना। तो यही तो आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड होता था, क्योंकि देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता था, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में रजिस्टर के अंदर आपको एक एड्रेस मिलता था, रजिस्टर के अंदर आपको एक मेमोरी, देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में इंस्ट्रक्शन के अंदर एक रजिस्टर नेम होता था, और उस रजिस्टर पर जाने पर आपको एक मेमोरी एड्रेस मिलता था, और फिर उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको ऑपरेंड मिलता था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यही काम तो हो रहा है, इस रजिस्टर R2 पर आप जाएंगे, इस रजिस्टर R2 का कंटेंट क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा, और उस मेमोरी एड्रेस पर जाने पर आपको ऑपरेंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर इस 20 को हम ऐड ना करें तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट होता, लेकिन आपने क्या किया, इस 20 को कर दिया, तो ये हो जाएगा रजिस्टर इनडायरेक्ट स्केल्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, आप इसको स्केलिंग कर रहे हैं, इसको 20 से ऐड करके इसकी स्केलिंग कर रहे हैं। अब देखिए दो टाइप की स्केलिंग होती है, एक होती है एडिटिव स्केलिंग और सेकंड होती है आपकी मल्टीप्लीकेटिव स्केलिंग। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप इसकी एडिटिव स्केलिंग कर रहे हैं।